डियर स्टूडेंट, द मीसोलिथिक एज और द मिडल स्टोन एज। द मीसोलिथिक एज एक्सटेंडेड फ्रॉम अराउंड 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा टू 8,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। दिस ब्रीफ पीरियड वॉज मार्क्ड बाय राइजिंग टेम्परेचर एंड द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स दैट हैड कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस। मीसोलिथिक और मिडल पेज, मध्य पाषाण युग जो था, ये समय था 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 8,000 बिफोर क्राइस्ट एरा तक। और इसी समय में, इस पीरियड में जो टेम्परेचर था, अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ा तो गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने से ये हुआ कि जो ग्लेशियर्स थे, वाटर ग्लेशियर, ग्लेशियर आर द लार्ज मास और एरिया ऑफ आइस, ऐसी बड़ी सी जगह जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई हो। बर्फ़ का जमना ये पहाड़ों पे भी हो सकता है और ओशंस के बीच में भी हो सकता है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा कि लेवल बढ़ेगा पानी का, और वो नदी या समुद्र में पानी का लेवल जो होगा ऊपर की तरफ आएगा। और जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ज़मीन को वो ढक लेगा, पार्ट ऑफ लैंड विल बी कवर्ड। सो सेम केसेस हियर इट्स गिवन, रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स दैट हैड कवर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अ वैरायटी ऑफ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस बिकेम कॉमन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मीसोलिथिक पीरियड। जैसे जैसे मीसोलिथिक पीरियड समाप्त होने की दशा में आया या होने वाला था, उस समय ऐसे ऐसे घास वाले पौधे या पेड़ नहीं बोल सकते बट ग्रास, तो इट विल कम अंडर पौधे बोल सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ऐसे घास या पौधे जिनमें दाने हुआ करते थे वो उगना शुरू हुए। ह्यूमन स्टार्टेड गैदरिंग दीज ग्रेन्स फॉर फूड, और लोगों ने, आदि मानव ने क्या किया, अर्ली ह्यूमन्स ने उस ग्रेन को, ग्रेन्स को क्या, अनाज के दानों को जमा करना शुरू किया। फॉर फूड द लार्ज स्टोन टूल्स ऑफ द अर्लियर एज गिव वे टू स्मॉलर शार्पर स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथ मीन्स स्टोन। सो जैसे जैसे समय बीता, फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू एंड ऑफ द मीसोलिथिक पीरियड, दे शिफ्टेड फ्रॉम लार्ज स्टोन टूल्स टू स्मॉलर एंड शार्पर स्टोन टूल्स। वो छोटे हथियारों की तरफ आकर्षित हुए या उन्होंने इस्तेमाल करना, छोटे हथियारों को, पत्थर से बने हथियारों को शुरू किया। दे वेयर यूज एज द टिप ऑफ स्पीयर्स एंड एरो। इंडिया हैज सेवरल मीसोलिथिक साइट्स, मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और ऐसे बहुत सारे मीसोलिथिक साइट्स हैं जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना में अवेलेबल हैं या पाए गए हैं। अदर साइट्स इंक्लूड्स बागोर इन राजस्थान, सराय नहर राय इन उत्तर प्रदेश एंड भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। ऐसे कुछ स्थान हैं जैसे बागोर राजस्थान में, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका और आदमगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश में। ये सब क्या हैं, मीसोलिथिक साइट्स हैं, मीसोलिथिक स्थल हैं। विल सी अबाउट द हेरिटेज कॉर्नर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका लाई इन द मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग पाई गई है, या केव पेंटिंग जो अर्लियर हुमन ने की थी वो पाया गया है, खोजा गया है। दे आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टोन एज आर्ट फाउंड इन इंडिया। द पेंटिंग्स आर फेमस फॉर
दियर लाइफ लाइक डिपिक्शन, डिपिक्शन करना, प्रदर्शित करना, दिखाने की कोशिश करना, विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग ऑफ वुमेन्स एंड मेनी एनिमल्स, सम ऑफ विच वेयर हंटेड, सम डोमेस्टिकेटेड एंड सम वर्शिप्ड। ऐसे जानवरों को दिखाया गया है जिनका कुछ जिनमें से कुछ जानवर का शिकार किया जाता था, कुछ को घरेलू या पालतू बना दिया गया लाइक काउ, एंड सम वर्शिप्ड जिनकी पूजा की गई, कुछ की जिनकी पूजा की जाती है। द कलर्स आर विविड, विविड मीन्स वेरी क्लियर, स्पष्ट एंड हैव लास्टेड ओवर सो मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स। द भीमबेटका रॉक हैव बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। नाउ विल सी द पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज द नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। द मीसोलिथिक एज गेव वे टू द नियोलिथिक और द न्यू स्टोन एज। आफ्टर पेलियोलिथिक मीसोलिथिक एज केम, आफ्टर मीसोलिथिक द थर्ड एंड फाइनल स्टेज केम दैट इज नोन एज नियोलिथिक मीन्स न्यू। द नियोलिथिक एज विटनेस्ड मेनी इन्वेंशंस एंड खोज, इन्वेंशन करना, खोज करना, आविष्कार करना, डिस्कवरी, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड इनोवेशन। इनोवेशन समथिंग मॉडर्न, समथिंग फ्रेश, समथिंग वेरी न्यू लाइक दैट, दैट इज नोन एज इनोवेशन। सो दिस वॉज चैप्टर टू। इन नेक्स्ट चैप्टर थ्री वी विल स्टडी अबाउट दिस न्योलिथिक एज इन डिटेल्स। सो माई डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर टू। नाउ वी विल टेक सम इम्पॉर्टेंट न्यू एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स लाइक इवॉल्व मीन्स चेंज ग्रेजुअली, धीरे धीरे परिवर्तन लाना, इवॉल्व करना। देन पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक रिलेटेड टू ओल्ड स्टोन फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स पैलियोस मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। देन नेक्स्ट इज द नोमैड, घुमंतु, समवन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर एंड हैज नो परमानेंट होम नोन एज नोमैड। देन नेक्स्ट इज द मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स लाइक मीसो मीन्स मिडल, लिथोस मीन्स स्टोन। माइक्रोलिथ्स, स्टोन टूल्स दैट वेयर स्मॉलर एंड शार्पर देन दोज ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज में जो पहले बड़े टूल्स यूज हुआ करते थे उनकी जगह किसने ले ली, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे स्टोन टूल्स ने ले ली। देन नेक्स्ट इज द नियोलिथिक, न्यू स्टोन फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स नियो, नियो मीन्स न्यू, लिथोस मीन्स स्टोन। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर टू। थैंक यू स्टूडेंट्स।